हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप किसी भी ट्रेन का लाइव स्टेटस कैसे अपने मोबाइल के एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, कि कौन सी ट्रेन कितना लेट चल रही है, कौन से स्टेशन में पहुँची है और कितने देर में वो अगले स्टेशन में पहुँच जाएगी, या फिर PNR कैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आसान और इजी तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका, आप खुद अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ट्रेन ऐसा होता है कि लेट हो जाती है रास्ते में, हमें पता नहीं होता कि ट्रेन कहाँ तक पहुँची है। जो हमारे साथी या फिर हमारे जो रिश्तेदार या रिलेटिव जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वो कहाँ पहुँचे हैं, उनकी ट्रेन कहाँ पहुँची है, ये सब चीज़ हम कैसे पता लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। तो आज वही मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि आप कैसे स्टेटस चेक करेंगे आपकी ट्रेन कितना लेट है। फिर कभी हम खुद अगर अपना टिकट बुक कराते हैं और ट्रेन है हमारी, मान के चले 4 बजे शाम की ट्रेन है, हम यहाँ से घर से 1-2 घंटा पहले निकलते हैं स्टेशन के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टेशन पहुँच जाते हैं और ट्रेन पता चला कि 4-5 घंटे लेट है। तो ये सब चीज़ वहाँ जाके स्टेशन पे परेशान होते हैं, बैठना पड़ जाता है, वेट करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है वहाँ पे। इसलिए हम घर से पहले चेक करके निकले कि हमारी ट्रेन टाइम चल रही है या लेट है। तो आज ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से, एग्जीगो ट्रेन्स जो एप्लीकेशन का नाम है, एग्जीगो ट्रेन्स के नाम से एप्लीकेशन है, जो मैं आपको अभी देखिए मूव करके दिखा रहा हूँ, ये है। इसको आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये खुल करके आ जाएगा, ये पेज आपके सामने। अब देखिए यहाँ खुल करके आ गया ये पेज। अब खुल करके आने के बाद आपको कैसे अपना रनिंग स्टेटस चेक करना है, देखिए सबसे ऊपर में स्टार्टिंग में दिखा रहा है IRCTC ट्रेन से फ्लाइट है, बसेज हैं, होटल्स हैं, उसके ठीक नीचे दिखा रहा है रनिंग स्टेटस। जैसे आप रनिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे ये पेज खुल करके आ गया आपके सामने। अब आप जैसे मैं इस पर सिलेक्ट कर रखा हूँ दिल्ली से दरभंगा के लिए, मुझे जो है मैंने ट्रेन में बुक किया है। अब मुझे इस ट्रेन का स्टेटस देखना है, ये ट्रेन टाइमली चल रही है या फिर लेट है, कहाँ तक पहुँची है। तो अब मैं न्यू दिल्ली से दरभंगा डाल दिया, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे देखिए वहाँ दिल्ली से दरभंगा के लिए जितनी भी ट्रेन है, 4 ट्रेन है, चारों ट्रेन यहाँ शो कर रहा है। अब आप कौन सी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या किस में करना चाहते हैं, किस में आपको करना है, आप उस ट्रेन के ऊपर क्लिक कर देंगे। 02566 देखिए सेकेंड नंबर पे जो ट्रेन है, बिहार संपर्क क्रांति स्पेशल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इसका सारा डिटेल हमारे सामने आ गया कि ये ट्रेन जो है न्यू दिल्ली से ये ट्रेन का जो टाइमिंग था 1:00 कुछ मिनट का, ये 1:00 कुछ मिनट पर चली है, 1:06 पर, और अभी देखिए बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, स्टेशन से 6 मिनट डिले चली है ये, अभी कहाँ पहुँची है आप यहाँ शो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सारा। ये अभी हाथरस क्रॉस कर रही है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रेन का एक छोटा सा होलोग्राम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपकी ट्रेन जो है अभी हाथरस क्रॉस कर। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सारा स्टेटस में चेक कर सकते हैं, ये कितने बजे कहाँ इसके बाद ये कानपुर, इसका बड़ा स्टेशन है कानपुर में रुकेगी ये 6:10 पे, वहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज है इसका, 6:15 पर कानपुर से निकल लेगी। उसके बाद फिर ये ऐसबाग जाएगी, फिर बादशाह नगर, फिर गोरखपुर, फिर देवरिया सदर, फिर सिवान, फिर छपड़ा है ये, मतलब जो भी स्टेशन पे ये स्टॉपेज है इसका, जहाँ जहाँ जितने देर का स्टॉपेज है, कितने बजे पहुँचेगी, सारा डिटेल आपको इस पर दिखाएगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका कि आप लाइव लोकेशन कैसे अपना ट्रैक कर सकते हैं, इससे आप परेशान नहीं होंगे कि हाँ ट्रेन कहाँ पर रुकी है या कितने बजे पहुँच रही है, इसमें सारा डिटेल दिखा देगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं इसमें इस एप्लीकेशन में एक और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें आप फिर नेक्स्ट ये देखेंगे जो इसमें फैसिलिटी ये है PNR चेक करने का। जैसे कि आपका टिकट वेटिंग है, आपने टिकट वेटिंग बुक कर रखा है, आपको पता नहीं है कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है या होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए देखिए रनिंग स्टेटस के ठीक बगल में बराबर में एक PNR स्टेटस लिख रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप PNR स्टेटस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ गया, इंटर योर 10-डिजिट PNR नंबर। आपके टिकट के ऊपर हर जो भी टिकट हम बुक करते हैं उस सब पे एक PNR नंबर होता है, जो ये कोड होता है रेलवे का, इस कोड की वजह से आप अपने टिकट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कन्फर्म है या वेटिंग है, कौन सी बोगी में आपका सीट है। तो यहाँ पे हम अपना PNR नंबर डाल देते हैं, जैसे हम PNR नंबर यहाँ पे डालेंगे आपको यहाँ सर्च करना है, तो मैं PNR नंबर डाल देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा अपना PNR नंबर का, ये डाल देते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने अपना PNR नंबर डाल दिया है, अभी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि सही है या गलत डाला है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये जैसे ही मैं PNR नंबर डालूँगा उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है। स्लीपर में है या AC में है, सीट नंबर क्या है, उसका बर्थ क्या है, ये सारा डिटेल आपको दिखा देगा इसमें। ये भी सर्च हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए सर्च होकर के आ गया है। जो मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया है 02910 ट्रेन नंबर है, गरीब रथ स्पेशल है ये निज़ामुद्दीन से सूरत के लिए मैंने अपना टिकट बुक किया है। शाम में 4:30 को है 26 तारीख को, और 27 तारीख को पहुंचा देगी 5:40 पे। ये इसका PNR नंबर है जो मैंने डाला था, और ये हमारा देखिए साइड अपर सीट है, कोच नंबर G5 में सीट नंबर 16 है, ये कंफर्म है हमारा टिकट। ये दिखा दिया आपका PNR नंबर, अगर वेटिंग होता तो यहाँ वेटिंग दिखा देता, कितना परसेंट कंफर्म होने का चांस है ये सारा आपको यहाँ पे दिखा देता। ये सारी डिटेल है इसके अंदर, ये सारी फैसिलिटीज एप्लीकेशन के अंदर है। एक एप्लीकेशन सब सारा कुछ कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, ये PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रेन का लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप इससे चेक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंड से कि भाई कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, रिलेटिव्स कहाँ पहुँचे, आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट्स करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।